बेटा स्केलेटल फॉर्मूला के अंदर हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको ये कंपाउंड बताया था, CH3, CH2, CH2, CH3 एंड CH3, और आपसे कहा था जी इसका स्केलेटल फॉर्मूला, तो देखें कैसे बनाएंगे। कार्बन एटम्स आप काउंट कर लें पहले लीनियर चेन में, 1, 2, 3, 4 और 5, पांच कार्बन एटम है। तो आप बेटा इस तरीके से 1, 2, 3, 4 और ये आ गया जी 5, ठीक है। अब देखें ये ब्रांच किस कार्बन पर लगी हुई है, कि जो CH3 जिसको आप मिथाइल बोलते हैं, ये ब्रांच कार्बन 2 पर है, तो ये कार्बन 1 कह दें इसको, दिस इज कार्बन 2, और इसके ऊपर बेटा आप इस तरीके से एक ब्रांच लगा देंगे। तो ये बेटा इसका स्केलेटल फार्मूला है, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी, मजीद थोड़े से देख जी बेटा। ये ग्रुपिंग जो है कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, ये हम क्या उस डायरेक्शन से शुरू करते हैं जो क्लोजेस्ट है उस जो ब्रांच से? जी बेटा जहाँ से ब्रांच जल्दी आ जाए, ब्रांच को लोवेस्ट नंबर आपने देना होता है, इसलिए हमने यहाँ पर राइट ओके, साइड अगर से काउंटिंग स्टार्ट की है, ठीक है। ब्रांच जो है CH2 के साथ लगी होती फर्ज करें, तो फिर हम उस सिचुएशन में CH3 जो वो ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड है, हम उसको कार्बन 1 लेते ना? बेटा अगर कार्बन 3 से लगी होती फिर आपके पास ऑप्शन था, जहाँ मर्जी से कर लेते, ओके, ठीक है। अच्छा बेटा आपको इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको बेटा इस तरह का MCQ आ सकता है, ये देखिएगा जरा 1 मिनट। कि आपसे कहेगा बताएं जी व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, आपने इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा बताना होगा इस कंपाउंड का। जी बेटा सब बच्चे जरा इस पर गौर करें कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या कार्बन होगा, कार्बन होंगे, कार्बन क्या क्या होंगे बेटा। के तो 6 होंगे, तो फिर हमें उसके जरिए बनाना पड़ेगा। हाँ तो देख आपने पूरा मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है ना, सिर्फ कार्बन नहीं बताने, हाइड्रोजन्स भी बताने होंगे साथ में। तो बेटा जब भी इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि आपसे वो ये स्केलेटल फार्मूला आपको दे और कहे कि बताएं जी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, तो आप ये बात जहन में रखिए जो हर जंक्शन है ना, ये कार्बन एटम बता रहा है, ये जो जंक्शन है ये कार्बन एटम बता रहा है, दिस इज कार्बन एटम, ये भी कार्बन एटम है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। तो चलें हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं कार्बन, ये एक और कार्बन है, ये जंक्शन एक और कार्बन को बता रहा है, हर जंक्शन जो है यहाँ पर वो एक कार्बन एटम को बता रहा है। और बेटा कार्बन एटम बॉन्ड कितने बनाता है, 4, तो इसके साथ कितने कितने हाइड्रोजन्स मुझे मजीद लगाने पड़ेंगे ताकि हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो जाएं, दो दो हाइड्रोजन मुझे मजीद लगाने पड़ेंगे। तो ये बेटा देखिएगा ये आपके पास फॉर्मूला बन गया है। अब क्या फॉर्मूला बन गया बेटा, C6H, 12 यस। तो बेटा ये इस तरह के क्वेश्चन आपको MCQ में आ सकते हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12, क्या आपको स्केलेटल फार्मूला देगा और कहेगा बताएं जी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला या इसका एम्पिरिकल फार्मूला। अगर बेटा वो इसका एम्पिरिकल फार्मूला कहता है फिर क्या कहना था आपने, एम्पिरिकल कैसे CH2, इसी को आपने सिंप्लीफाई कर देना था। अच्छा पता सबके साथ 2 कार हाइड्रोजन अटैच्ड हैं? जी बेटा, आपको कैसे पता है हर कार्बन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं? हाँ बेटा इस तरीके पता है कि आप ये मुझे बताओ कि जो कार्बन है ये अभी कितने बॉन्ड बना रहा है, ये जो मैंने मार्क किया येलो कलर से, ये कितने बॉन्ड बना रहा है इस टाइम, 2 तो इसने टोटल बॉन्ड्स 4 पूरे करने, तो कितने हाइड्रोजन इसके साथ लगेंगे। दो और लगेंगे। यस, अगर आपके जहन में ये है कि हाइड्रोजन के अलावा कुछ और भी तो हो सकता है, तो बेटा याद रखें स्केलेटल फार्मूला के अंदर अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट होगा तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा कि अगर हाइड्रोजन के अलावा, सर एक चीज, साइक्लो भी पढ़ते थे हम ओ लेवल में, वो भी पढ़ा था। तो ये साइक्लो ही है बेटा, दिस इज साइक्लो एल्केन, ये रिंग बना हुआ है। सर ये जिस तरह ऊपर आपने किया, और ये अभी तो आपने इसको क्लोज कर दिया ना, ऊपर आपने अभी क्लोज नहीं किया। ये साइक्लो नहीं है, दिस इज नॉट साइक्लो एल्केन, ये ओपन चेन है, इसको बोलते हैं ओपन चेन एल्केन, ठीक सर। ये ओपन चेन है। अच्छा अभी मजीद बेटा इसी की प्रैक्टिस करते हैं हम, ये देखिएगा जरा। अब अगर मैं आपको इस तरह का कंपाउंड दे दूं, एक
और आपसे कहूँ जी इसका आप मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएं, तो बेटा आपने फिर वही काम करना है कि हर जंक्शन है ये एक कार्बन को बता रहा है, हर जंक्शन ये, तो आप यहाँ पर कार्बन एटम ऐसे, और अब आप बेटा देखेंगे कि हर कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है रिंग के अंदर, हर कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा, तीन, तो तीन बॉन्ड बना रहा है। अगर आप गौर से देखें तो ये डबल बॉन्ड भी तो है ना बेटा बीच में, अच्छा, ये चीज डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। नहीं तो ये चीज की बेटा ये तो होता ही डबल बॉन्ड है, ये तो डबल बॉन्ड नहीं होता क्या, ओके सर, डबल तो हर कार्बन बॉन्ड बेटा यहां पर अब तीन बॉन्ड बना रहा है, तो अब एक हर हाइड्रोजन। कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन आपने लगाना होगा, ठीक है जी। तो अब बेटा ये देखें इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा जी, CH यस C6H6, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और जो इसका बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा CH, एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH। अच्छा बेटा अभी हम मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ कि अल्कोहल को कैसे स्केलेटल फार्मूला में शो करेंगे, एस्टर को, कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर हम इसके बाद मजीद इसकी प्रैक्टिस करते हैं। बेटा अल्कोहल के लिए स्केलेटल फार्मूला आप देखिएगा, ये जी आपके पास CH3, CH2, CH2, CH2OH, बेटा इसको आपने स्केलेटल फार्मूला में करना है। आपको मैं पहले पहली क्लास में ये बता चुका हूँ कि बेटा जो स्केलेटल फार्मूला होता है, स्केलेटल फार्मूला आपको कार्बन और कार्बन के साथ अटैच हाइड्रोजन्स को शो करता है बस। अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एटम होगा तो वो आपको लिखना पड़ेगा। अब अभी आपको इसकी ये बात समझ आ जाएगी। पहली चीज़ बेटा आप काउंट करें यहाँ कितने कार्बन हैं, 1, 2, 3, 4, तो चार कार्बन है बेटा, ये देखिएगा 1, 2, 3 और ये 4, बेटा ये चार कार्बन हो गए। अब इस कार्बन वन के साथ क्या लगा हुआ है बेटा बताएं जरा, ओ एच, कार्बन वन के साथ बेटा लगा हुआ है ओ एच, जिसकी वजह से अब मुझे ये ओ एच यहां पर लिखना पड़ेगा बेटा, ये देखेंगे ये ओ एच मैं यहां पर लिखूंगा ऐसे करके ये, और ये जो ग्रीन लाइन है बेटा ये बॉन्ड शो कर रहा है कि ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया हुआ है सर, विद कार्बन जी बेटा। ये हमें जरूरी होता है कि हम लोग डायगनल लाइन बनाए, हम लोग स्ट्रेट लाइन नहीं बना नहीं नहीं सकते नहीं जैसे नहीं हम लोग आपने बेटा सीएच। ये नहीं, इसको आपने डायगनल लाइन में ही बनाना होता है, डायगनल लाइन में ही, ठीक है सही स्केलेटल है सर, फॉर्मूला के अंदर। और बेटा अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि बच्चे, ये तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है ना, बच्चे इसका गलत कैसे बनाते हैं देखें जरा, जो बच्चे अक्सर इसको गलत बना के आते हैं कैसे, वो काउंट करते हैं जी 1, 2, 3, 4, चार कार्बन है तो ऐसे करते हैं 1, 2, 3, 4 और ओ एच यहाँ लगा देते हैं बेटा, इन दोनों ये रॉन्ग है नीचे वाला, मुझे बताएं इसमें क्या गलती है नीचे वाले स्ट्रक्चर में, ये क्यों इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो इसमें बॉन्ड नहीं सर इसमें दिखाता, तीन तीन कार्बन कार्बन एंड होते हैं, ऑक्सीजन। वेल सर डन, इसमें इसमें तीन तीन कार्बन है, कार्बन है। इसमें तीन कार्बन है देखें, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, और ये तो कार्बन 3 ओ एच के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो आपको बेटा पहले कार्बन पूरे करने हैं 1, 2, 3, 4, और कार्बन जो होगा फिर उसके साथ अपने ओ एच का बॉन्ड शो करना होगा बिल्कुल अलहदा से सर एक क्वेश्चन है जी बेटा कि जो कार्बन नंबर 1 है उसके साथ OH अटैच है, जी भी। तो फिर क्या OH पहले नहीं लिखेंगे? मेरा क्वेश्चन फिर पूछे बेटा सर जो OH है जी वो जी आपने आखिर में लिखा है ना, आखिर में नहीं लिखा बेटा अभी, लेकिन अगर नहीं वो आखिर जो में क्या लिखा है, आखिर में नहीं लिखा, आप जब इसको काउंटिंग करेंगे अभी कर लें 1, 2, 3, 4, सर इसको फिर उल्टी तरफ से बना सकते हैं कि पहले OH लिखें फिर बिल्कुल बना पहला सकते हैं, कार्बन बिल्कुल लिखा है। बिल्कुल 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 बना ठीक सकते है हैं। सर, अच्छा बेटा अब आगे चलते हैं जी, मैं इसी अल्कोहल की मैंने मजीद थोड़ी सी न्यूज़ जी पेपर वैसे आप पूछिएगा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जी बेटा, CH3, CH, OH, CH2 एंड CH3, ये जी बेटा मेरे पास एक और यहाँ पर अल्कोहल है और इसका स्केलेटल फार्मूला बनाना है। बेटा आपने यहाँ पर कार्बन देख लिया करें कितने कार्बन है जी, चार कार्बन्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो 1, 2, 3 एंड 4। बेटा आप देखें ये ओ एच किस कार्बन के साथ है बताएं जरा,
सेकंड कार्बन सेकंड की। कार्बन के साथ, तो बेटा आपको यहाँ पर ये OH सेकंड कार्बन, आप काउंटिंग बेशक यहाँ से कर लें, अभी तो आपने OH कहीं नहीं लगाया ना बेटा, आपकी मर्जी है राइट साइड से काउंटिंग कर लें या लेफ्ट साइड से, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं यहाँ पर बेटा OH लगा दूंगा सर OS तो टर्मिनल पे नहीं होता था। बेटा, क्यों टर्मिनल पर क्यों आएगा, यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी आपको टर्मिनल पर नजर आ रहा होगा, ये देखें इधर इस OH के आगे तो कोई कार्बन चेन नहीं है ना बेटा, तो ये टर्मिनल आप कह सकते हैं ना, इस बिल्कुल इसके आगे कोई कार्बन चेन है जी बेटा, नहीं सर। नहीं है, तो इसलिए ये बात याद रखें कि जिस फंक्शनल ग्रुप में H आ जाएगा ना, वो कभी भी दरमियान में नहीं आ सकता, क्योंकि हाइड्रोजन को एक बॉन्ड बनाना होता है ना, इसलिए वो कभी दरमियान में नहीं आएगा। और इसमें बेटा एक चीज़ की कोशिश कीजिएगा कि जब ये OH आप लिखेंगे ना, तो ये ऑक्सीजन का बॉन्ड कार्बन के साथ शो करना है, H को साइड पर लिखना है, ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड आपने बेसिकली शो करना होगा, ठीक है। अब बेटा हम आगे चलते हैं, अब जो नेक्स्ट है हमारे पास CH3, CH2, CHBr, CH3, बेटा इसका आपने स्केलेटल फार्मूला बनाना है, क्योंकि कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम अटैच है उसको आप शो करेंगे बस, बाकी आपने स्केलेटल फार्मूले के फॉर्म में देखें, चार कार्बन है 1, 2, 3, 4, ये ब्रोमीन जो है बेटा ये कार्बन नंबर 2 पर अटैच हुआ हुआ है, तो आप कार्बन नंबर 2 पर ये ब्रोमीन लगा देंगे ऐसे करके। अच्छा इसी तरीके से बेटा अगर कार्बोक्सैलिक एसिड आ जाए, ये इसको देखें जी बेटा, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, तीन कार्बन्स हैं आपके पास, तो 1, 2, 3, ये बेटा तीन कार्बन हो गए, ये जो बेटा कार्बन नंबर 1 है इसके साथ क्या लगा हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ, तो ये आपको बेटा मेंशन करना पड़ेगा, ये सी डबल बॉन्ड ओ, और बेटा इस साइड पर क्या लगा हुआ है OH, ये भी आपको बेटा लिखना पड़ेगा OH। ये देखें जी इसमें बेटा, ये देखिए ये आपके पास प्रोपानोइक एसिड है, इसमें ये आपको क्या बता रहा है CH3, दिस इज CH3, ये आपको क्या बता रहा है CH2, और ये बेटा आपको क्या बता रहा है कार्बन, और कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है और OH लगा हुआ है, बेटा क्लियर है ये जी बेटा। सर मुझे इनकी डायरेक्शंस में कंफ्यूजन है कि कब टिल्ट करके लिखना है सेपरेट एलिमेंट्स को जो कार्बन नहीं होते, नहीं और कब सीधा लिखना है, ये मुझे नहीं समझ आ रही। बेटा क्वेश्चन फिर रिपीट करें सर कि मुझे डायरेक्शन की कंफ्यूजन है कि जिस तरह आपने OH तो इधर टिल्ट करके लिखा हुआ है, मगर आपने ऊपर पिछले क्वेश्चन अल्कोहल में सीधा करके लिखा था। कैसे कैसे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये जी कि यहाँ जिस यहाँ भी नहीं टिल्ट किया हुआ है बेटा, ये देखें टिल्ट किया हुआ है, सर, नीचे वाले में सीधा करके लिखा हुआ है। अच्छा नीचे वाले में इसके पास दो ऑप्शन है बेटा, आप क्या कहते हैं मैं इसको ऐसे लिख दूं ऐसे, नहीं सर, फिर कैसे आप चाह रहे हैं, एक मिनट ताकि आपको मैं उसका रीजन बताऊं ऐसे हम क्यों नहीं कर सकते, इस तरह कह रहे हो बेटा ऐसे कर दे, जी सर मैं यही समझ रहा हूँ कि सोच रहा हूँ कि हाँ टिल्ट करके मैं क्यों आपको नहीं बताता हूँ, मैं आपको होगा। बताता हूँ बेटा, उसकी रीजन ये है कि अगर देखें आप बिल्कुल स्ट्रेट बनाएंगे ना, आपने बॉन्ड एंगल मैक्सिमम रखना होता है, वेस्पर थ्योरी में आपने पढ़ा है ना कि जो इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड पेयर होते हैं वो मैक्सिमम एंगल पर अरेंज होते हैं, तो अब आप अगर देखें कि बॉन्ड एंगल जो है वो किस केस में मैक्सिमम होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप एंगल चेक करें और यहाँ पर एंगल चेक करें, कहाँ पर एंगल वाइडर है, कहाँ पर बड़ा एंगल होगा बेटा, स्ट्रक्चर 1 में या लाइन स्ट्रक्चर में 2 में, समझ आ गया, सही होगा। तो जहां पर एंगल वाइड बन रहा होगा आपने वहां पर अरेंज करना होगा, ठीक है। सर मतलब अगर यही OH वाली लाइन स्ट्रेट नीचे बनाए तो वो भी गलत होगा। गलत हो जाएगा ना क्योंकि एंगल कम हो रहा है उसमें, जी सर ठीक ठीक है। है। अब मैं एस्टर पर आता हूं बेटा, एस्टर, और आपने बनाना है जिगजैग मैनर में, एस्टर को देखते हैं, CH3, CH2, सी डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन, CH2 एंड CH3। अब बेटा देखें यहाँ पर आपके पास कितने कार्बन है, 1, 2, 3,
3, 4, 5, पांच कार्बन है, लेकिन बीच में कार्बन चेन ब्रेक हो रही है इस ऑक्सीजन की वजह से बेटा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है अब आपने, इस ऑक्सीजन की वजह से कार्बन चेन ब्रेक हो रही है। तो अब आप इस ऑक्सीजन को दरमियान में डालेंगे। मैं बेटा यहां से लिखना स्टार्ट करता हूँ जी, 1, 2, 3 बेटा, इस पर सी डबल बॉन्ड ओ है ना, तो यहां पर करता हूँ सी डबल बॉन्ड ओ बेटा। ये कार्बन आगे डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच है, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो ये हमें लिखना पड़ेगा जी ऐसे करके ये, और फिर ये ऑक्सीजन बेटा आगे डायरेक्टली अब कार्बन के साथ अटैच है, और आगे दो कार्बन है तो आगे अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है बस। ये बेटा मुझे बताइएगा कि ये समझ आया या नहीं। सर मुझे एक कंफ्यूजन है जी बेटा जी, सर, फंक्शनल ग्रुप आपने बीच में कैसे डाल दिया? बेटा एस्टर का तो होता ही ऐसे है ना फंक्शनल ग्रुप, ये एस्टर है, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ और कार्बन, जी सर, लेकिन आगे एक और कार्बन भी तो है। तो बेटा आ गया ना, ये देखें ये एक कार्बन आ गया आगे, ये आपको मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, ये देखें, इसको मैं सपोज कार्बन वन कहता हूँ, इसको कार्बन टू, ये कार्बन थ्री, ये कार्बन फोर, ये कार्बन फाइव। यहाँ पर बेटा उसी तरीके से ये कार्बन वन है आपके पास सी एच थ्री, ये कार्बन टू है बेटा आपके पास सी एच टू, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन थ्री है बेटा आपके पास जो सिंपल सी है, ये कार्बन फोर है जिसको मैं सी एच टू कह रहा हूँ, और ये कार्बन फाइव है जिसको मैं सी एच थ्री कह रहा हूँ जी। बेटा आप बताएं ज़रा, जी बेटा बताइएगा सर, इसका सर आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना सकते हैं? स्ट्रक्चरल, बेटा ये है ना स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये मैंने ये जो बनाया, दिस इज स्ट्रक्चरल फार्मूला, फुली डिस्प्लेड फॉर्मूला सर। डिस्प्लेट, मैं डिस्प्लेट बना देता हूँ, सी एच थ्री, सी एच टू, सी डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन, सी एच टू एंड सी एच थ्री। ये बेटा देखें, अब मैं आपको यहाँ से फिर स्केलेटल बता देता हूँ, ये बेटा जो सी एच थ्री है ये इधर आ रहा है जी, ये आगे सी एच टू है, ये बेटा ये इधर आ रही है, ये सी एच टू है, देन आगे ऑक्सीजन, वो मुझे लिखना पड़ेगा, फिर सी डबल बॉन्ड ओ, सी तो लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन ऑक्सीजन लिखना है मैंने, देन सी एच टू, ये लिखा हुआ है जी सी एच टू, देन सी एच थ्री, ये सी एच थ्री है जी। जी बेटा समझ आ गई सर, सर इसकी थैंक बेटा यू। इसकी मैं आपको एक और ना इसकी एक और ज़रा एग्जांपल कराता हूँ, ताकि सी एच थ्री होल ट्वाइस सी, सी एच टू सी ओ टू, थोड़ा सा इसको ओपन कर लेते हैं, चले सी डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन एंड सी एच टू सी एच थ्री। अच्छा बेटा अब ये है जी हमारे पास एक स्ट्रक्चर, इसका स्केलेटल बनाना है। देखें यहाँ पर, यहाँ से बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, बाज़ बच्चे इसको गलत लिखते हैं, कैसे, यहाँ लिखा हुआ है ना सी एच थ्रू ट्वाइस, सी एच थ्री ट्वाइस, तो वो ऐसे कर देते हैं जी सी एच थ्री, सी एच थ्री और सी, ये तो मतलब सी एच थ्री सी एच थ्री इकट्ठा लिख देते हैं, ये ऐसे नहीं है बेटा। देखें ना अगर आप ऐसे लिखेंगे ना तो इसमें मिस्टेक क्या है कि इस कार्बन के बॉन्ड भड़ गए, ये कार्बन तीन हाइड्रोजन के साथ आपने अटैच किया हुआ है, फिर एक राइट साइड पर बॉन्ड बना रहा है चौथा बॉन्ड, एक फिर लेफ्ट साइड पर बॉन्ड बना रहा है पांचवा बॉन्ड, जो कि गलत स्ट्रक्चर है। बेटा इसका क्या मतलब होता है ज़रा मतलब देखें, इस सी एच थ्री होल ट्वाइस का मतलब ये है कि इस कार्बन के साथ दो सी एच थ्री अटैच है, ये जो कार्बन है जिसमें मैंने स्टार बनाया बेटा, इसके साथ दो मिथाइल अटैच है, सी एच थ्री एंड सी एच थ्री, ये इसका मतलब है जी। यहाँ पर एच भी आएगा जी, ठीक है, और आगे फिर क्या है जी, एच सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन सी एच टू एंड सी एच थ्री। बेटा इसका स्केलेटल हमने बनाना है, ठीक है जी। अब इसका स्केलेटल बनाने के लिए इसको कार्बन वन कह देते हैं, ये टू है, ये थ्री फोर फाइव और सिक्स, ये आपकी ब्रांच कंसिडर होगी, ठीक है, इसको हम बाद में बना लेंगे। ये बेटा देखिएगा मैं यहाँ से चलें स्टार्ट करता हूँ, फिर कार्बन सिक्स से बनाना, ये कार्बन नंबर सिक्स, ये कार्बन नंबर फाइव, ये कार्बन नंबर फोर, ये कार्बन नंबर थ्री,
थ्री के बाद अब आगे टू डायरेक्टली अटैच नहीं है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद फिर कार्बन नंबर टू, देन कार्बन नंबर वन। अब बेटा जो कार्बन नंबर थ्री है ये वाला, इसके साथ डबल बॉन्ड ओ है, ये लगाना है। और बेटा जो कार्बन नंबर फाइव है, कार्बन नंबर फाइव ये है जी, कार्बन नंबर फाइव ये है, इसके साथ मिथाइल लगा हुआ है। तो मुझे बताएं मैं मिथाइल ऐसे लगा दूं नीचे? नहीं, नहीं अगर सर, ऐसे लगाऊंगा तो इसके, हाँ नहीं तो आपको बेटा ये कार्बन नंबर थ्री फाइव पर जो एक ब्रांच है ये आपको ऊपर की तरफ लगाना है, ठीक है? तो ये बेटा आपके पास स्ट्रक्चर आ गया इस एस्टर का। सर, ये होल्ड वाइस वाली बात समझ नहीं आई। ये CH के आगे आपने नीचे CH3 कैसे लगाया? हाँ बेटा ये होल्ड वाइस का मतलब है कि ये जो कार्बन है ना, ये वाला जो कार्बन है ग्रीन, इसके साथ दो मिथाइल लगे हुए, अच्छा ठीक है ये इस तरीके से देखो सर, इसको डाइमिथाइल कहेंगे ना? बेटा। नेमिंग नहीं, इसको नेमिंग जब मैं आपको बताऊंगा तो उस पे आऊंगा, इसको डाइमिथाइल नहीं कहेंगे आप, इसको जब नाम देंगे तो इसको इस तरह देंगे फाइव इथाइल, और फिर आप एस्टर का पूरा नाम देंगे। अच्छा नेमिंग अभी अच्छा हम बाद में सीखेंगे इसकी। अच्छा बेटा आगे चलते हैं जी। सर, ये वाला जो है आप ये दोबारा बता सकते हैं, मैं मिस कर गया था। बेटा इसमें आपके पास ना ये मैंने एक स्ट्रक्चर दिया था ये वाला, और इस स्ट्रक्चर के अंदर मेन चीज़ जो थी, जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, कि यहाँ पर मैंने मिथाइल के नीचे होल्ट ट्वाइस लिखा था, CH3 होल्ट ट्वाइस। तो इस होल्ट ट्वाइस का बेटा मतलब ये होता है कि ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन के साथ बेसिकली दो मिथाइल लगे हुए हैं। देखें, एक CH3 आप लेफ्ट साइड पर लगा दें और एक नीचे लगा दें, और फिर आगे वही चेन है बेटा, और उसी का मैंने स्केलेटल फार्मूला बनाया है। ये यहाँ पर देखें, ये दो मिथाइल मैंने लगा दिए, एक ऊपर ओके और एक यहाँ पर। ठीक है जी, अच्छा बेटा अब आगे चलते हैं। सर, आपने जो सबसे पहला स्केलेटल फॉर्मूला दिखाया था, आप वहां तक वापस ले जा सकते हैं 1 मिनट के लिए? बेटा ये वाला कह रहे हैं, नहीं सर, वो अल्कोहल का जो बनाया था वो। वेट अ मिनट, ये वाला बेटा। जी सर, यही सर, आपने कहा था कि बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन जैसे टिल्ट बनाएंगे तब तो एक साइड से तो ज्यादा होगा लेकिन दूसरी साइड से कम हो जाएगा, तो फिर पूरा वर्टिकल नहीं होना चाहिए तो ये बेटा मैक्सिमम बॉन्ड एंगल मैंने के लिए? वर्टिकल बनाया ना बेटा, इधर देखो इधर। नहीं सर, मेरा मतलब कि इससे ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल नहीं होना चाहिए। बेटा देखो आप यहाँ पर ना हाइड्रोजन्स को इग्नोर कर रहे हो, हाइड्रोजन भी है ना इधर, हाइड्रोजन लगे हुए इधर, ठीक है, हाइड्रोजन भी है, इसलिए आपने जिग जैग में बनाना है। इस डॉट का मतलब ये नहीं है कि ऊपर ऊपर यहाँ पर हाइड्रोजन्स अटैच हैं, हाइड्रोजन्स ऊपर लगे हुए हैं। अच्छा बेटा अब मैं आपको एक अब मैं आपको एक यहाँ पर पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट वही फॉर्मूला आपको बनाकर दे रहा हूँ, और आप लोगों ने मुझे इसका आंसर देना होगा। क्योंकि मैं डॉट को थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर रहा हूं तो आके आपको पता चले कि ये जंक्शंस हैं इधर। ये जी आप बेटा इसमें मुझे ये बताएं कि हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट?
हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल? जी बेटा, सब बच्चे जरा इस पे सोचें। सर 20। 20। अच्छा जी, कोई और बच्चा भी? और क्या आंसर निकाला है किसी बच्चे ने? इट्स 10 o'clock। जी बेटा, सर 23। 23। यस सर, 23। अच्छा ठीक है। और बेटा शाबाश, और बच्चे भी बताएं जल्दी से कि क्या क्या आंसर आप लोग निकाल रहे हैं। हाइड्रोजन्स 10? नो बेटा, 10 तो बिल्कुल नहीं है। सर 22। 22। चलें, अभी आप खुद काउंट कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा जी कि आप लोगों में से, सॉरी, कि किस किस ने ठीक बताया, किस किस ने गलत बताया। सर 24 है। चलिए बेटा, सर 25। ये बेटा अभी जो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर आप लोग इसको देखकर खुद मुझे बता दीजिएगा। जी बेटा बताएं, आप कितने हैं जी? देख लें, पहले ये मेक श्योर करें कि आया हर कार्बन चार बॉन्ड बना रहा है, कोई कार्बन चार से कम बॉन्ड भी ना बनाए, कोई कार्बन चार से ज्यादा बॉन्ड भी ना बनाए। जी बेटा, कोई ऐसा कार्बन तो नहीं है इसमें जो चार से कम या चार से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है? अब बेटा देखें, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। 22 है जी। ठीक है बेटा, तो इस तरह के बेटा ये आसान है, मुश्किल है बेटा? ये इस तरह की चीज़ें ये आसान है, इसमें कोई आपको बस थोड़ी सी ड्राइंग अच्छी करनी है अपनी। और सर आपको कैसे पता चला हाइड्रोजन को लगाना है? जी बेटा, हाइड्रोजन को कैसे पता चला कि कितने हाँ काम है हर ठीक है, कार्बन से? ठीक है बेटा, हाइड्रोजन का मुझे बेटा ऐसे पता चला कि देखें, ये तो मुझे पता है ना कि जितने जंक्शंस हैं यहाँ पर कार्बन है, ये चीज़ तो हमें पता है ना सबको बेटा, कि जंक्शंस किसको बता रहे हैं? कार्बन्स को बता रहे हैं। तो पहले मैंने सिर्फ बेटा कार्बन को ड्रॉ किया है, मैं भी आपके सामने चले फिर ड्रॉ करता हूँ एक दफा। ये देखिएगा बेटा, मैं एक दफा फिर ड्रॉ करता हूँ। चले, ये बेटा आप देखिएगा जरा, एक मिनट बेटा, ये जो रेड डॉट्स हैं ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुझे ये बताएं शाबाश। पहले रेड डॉट्स कार्बन है। अब बेटा मैं इन्हीं डॉट्स पर कार्बन ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ठीक है जी? ये अच्छा, यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, जो पहले पेंटागोनल है ना, यहाँ से इसको, ये कार्बन आ गया, ये कार्बन है, ये है, ये है, ऐसे है, और ये कार्बन है जी। अब बेटा मैं ये जो हेक्सागोनल नहीं, बल्कि हेक्सागोनल नहीं है, ये हेप्टागोनल है। अब इस रिंग को बेटा मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ। बेटा इस रिंग को एक दो कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड नहीं है? बेटा ड्रॉ कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। अब बेटा मैं इस कार्बन को ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ये जो सात वाला रिंग है, इसको मैं ब्लू कलर से शो करता हूँ, देखिएगा। 1, 2, आप कार्बन इसमें काउंट कर लें कितने हैं, 1,
टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, मतलब सेवन कार्बन का रिंग होना चाहिए, और ये जो ये दो है ना ये कॉमन है, ये पेंटागोनल में और इसमें कॉमन होंगे। तो बेटा ये नीचे आएंगे हम यहाँ पर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, बेटा ज़रा काउंट करें इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, ज़रा इस रिंग में काउंट करें, सेवन पूरे हो गए ना, ठीक है। अब बेटा जो यहाँ पर ऊपर ब्रांचेज हैं वो भी लगाते जाएं, एक ब्रांच यहाँ पर आ रही है, और बेटा ये जो ब्रांच है इसको भी लगा दें हम यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड कार्बन और सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब बेटा क्या करना है, ये करने के बाद अब जितने जहाँ जहाँ पर जितने हाइड्रोजन कार्बन के जितने बॉन्ड्स कम हो रहे होंगे ना चार से, उतने हाइड्रोजन लगाते जाएंगे। यहाँ मुझे बताएं जी इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन लगने चाहिए इसके साथ, थ्री, क्योंकि तीन बॉन्ड कम है। बेटा इस कार्बन के साथ कितने लगने चाहिए, एक ना, बेटा इस कार्बन के साथ नेक्स्ट वाले के साथ यहाँ टू हो जाएंगे, दो, ठीक है बेटा। इस कार्बन के साथ नीचे वन, बेटा इस कार्बन के साथ दो, इस कार्बन के साथ तीन, इसके साथ कितने लगेंगे भाई, कोई नहीं लगेगा, कोई नहीं लगेगा। बेटा नेक्स्ट कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन्स, फिर नेक्स्ट कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन्स। अच्छा बेटा यहाँ पर क्या होगा जी, इस यहाँ कुछ नहीं लगेगा, ठीक है जी, यहाँ कुछ नहीं लगेगा। अच्छा बेटा अब आगे आ जाएं, यहाँ पर हमारे पास सी एच टू, बेटा इस कार्बन के साथ क्या होगा, एक एच, बेटा इस कार्बन के साथ तीन एच लगेगा। देख ले कोई ऐसा कार्बन तो नहीं है बेटा जिसके बॉन्ड्स चार से कम हो या चार से ज्यादा बन रहे हो, अगर ऐसा हुआ तो फिर स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। बेटा ये क्लियर हो गया, आगे चलें अब हम। Yes, sir. अच्छा बेटा जो हमारा आज का टॉपिक था वो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। ये तो थोड़ा हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे थे स्केलेटल फार्मूला की, कि स्केलेटल फार्मूला आपने ड्रॉ कैसे करना होता है, ठीक है। हमारा आज का टॉपिक है बेटा आइसोमेरिज्म। बेटा आपने ओ लेवल्स में भी आइसोमेरिज्म पढ़ा था, लेकिन वहाँ सिर्फ उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी और उसकी फर्दर टाइप्स आपने नहीं देखी थी, लेकिन यहाँ पर हम बेटा इसकी फर्दर टाइप्स देखेंगे। और याद रखें कि आइसोमर्स से सम टाइम सेवन मार्क्स का बेटा लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले बेटा मैं इसकी दो टाइप्स और फिर इसको डिफाइन करता हूँ। बेटा आइसोमेरिज्म जो है ना, या आइसोमर्स, इसकी फर्दर टू टाइप्स हैं। एक टाइप तो आप ओ लेवल में पढ़ कर आए हैं, पहली टाइप का नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमर। ये वो आइसोमर है जो आप ओ लेवल में पढ़ कर आए हैं। और बेटा जो सेकंड टाइप है इसकी, उसका नाम है स्टीरियो आइसोमर। सबसे पहले बेटा हम दोनों को डिफाइन कर लेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर, और फिर उनकी फर्दर टाइप्स देखेंगे, ठीक है। बेटा जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है, इसकी डेफिनेशन आपने ये बतानी है कि कंपाउंड्स, ये इसकी डेफिनेशन है बेटा, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है बेटा, अच्छा अभी इस इन डेफिनेशन को अभी हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। सिर्फ डेफिनेशन अभी आप लिख लें, एग्जाम्पल में भी आपको इसकी बताऊंगा। स्टीरियो आइसोमर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट
डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस. इसका क्या मतलब है, जब मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा तो आपको फिर समझ आएगी. अभी सिर्फ आप इसको बेटा लिख लें, इन दोनों डेफिनेशंस को लिख लें, ताकि मैं आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर की फर्दर क्लासिफिकेशन फिर बताऊं. बेटा लिख लिया सबने? यस सर. ओके बेटा, अब यस बेटा अब हम टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं. स्ट्रक्चरल आइसोमर की टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है? तो इसकी टाइप में बेटा फर्स्ट जो टाइप होगी इसकी, उसका नाम है चेन आइसोमर. सेकंड बेटा जो इसकी टाइप है उसका नाम है पोजिशनल आइसोमर. और बेटा थर्ड टाइप जो इसकी है उसका नाम है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर. ये तीन बेटा टाइप्स हैं जी, चेन, पोजिशनल और फंक्शनल. सबसे पहले बेटा हम चेन आइसोमर, ये आप ओ लेवल्स में पढ़ के आए हैं, इसको हम देख लेते हैं जी कि चेन आइसोमर क्या होता है. अच्छा बेटा, चेन आइसोमर की अगर आप वर्ड पर गौर करें तो आपको कुछ ना कुछ इसकी वर्डिंग से पता चल रहा होगा कि ये वो आइसोमर्स हैं कि जब आप कार्बन चेन को चेंज करेंगे और उसके रिजल्ट में आपके पास जो आइसोमर्स बनेंगे. एक मिनट, मैं इसकी पहले थोड़ा सा वर्डिंग में लिख देता हूं कि चेन आइसोमर्स आर फॉर्म्ड व्हेन वी चेंज द कार्बन चेन. क्या मतलब है जी इसका? इसका मतलब यह है बेटा, आपके पास सपोज एक मॉलिक्यूल है पांच कार्बन की चेन का, बेटा पेंटेन जिसको आप बोलते हैं. बेटा ये थोड़ी सी आपको काउंटिंग तो याद होगी ना, ऑर्गेनिक काउंटिंग पे, कि पांच कार्बन वाले को आप क्या बोलते थे? पेंटेन बोलते थे, जिसमें पांच कार्बन हो. बेटा याद है. अब बेटा इसका आइसोमर मैंने बनाना है, और कौन सा आइसोमर? चेन आइसोमर. चेन आइसोमर बेटा वो आइसोमर होता है कि जिसमें मैं कार्बन चेन को चेंज करूंगा. अगर आप इसको देखें, इस पेंटेन में आपको लॉन्ग चेन में कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? पांच कार्बन नजर आ रहे हैं. अब बेटा मैं इसका अगर चेन आइसोमर बनाऊंगा तो वो इस तरीके से कि मैं अब ये जो पांचवा कार्बन है ना बेटा, इसको यहां से रिमूव करूंगा. देखिएगा, 1, 2, 3 and 4. बेटा जो पांचवा कार्बन है कि मैं यहां से रिमूव करके मिडल वाले किसी कार्बन पर लगा दूंगा, मिडल वाले किसी भी कार्बन पर, या इस पर लगा दूंगा या इस पर. मैं चले इस पर लगा देता हूं जी ये. और अब क्या करूंगा, इनके जरा हाइड्रोजन्स पूरे कर लेते हैं. बेटा इस कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन्स आ जाएंगे, ये कार्बन भी एक बॉन्ड बना रहा है, तीन हाइड्रोजन्स. ये कार्बन बेटा तीन बॉन्ड्स बना रहा है तो एक हाइड्रोजन. ये कार्बन दो बॉन्ड बना रहा है तो दो हाइड्रोजन्स. ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है तो तीन हाइड्रोजन्स. अब बेटा आप मुझे ये बताएं कि ये जो आपको ऊपर नीचे दो मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं, क्या ये सेम है इनका, इनकी अरेंजमेंट, इनकी कनेक्टिविटी या इनका स्ट्रक्चर सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है सर. और डिफरेंट होने की क्या रीज़न है बेटा, क्यों डिफरेंट हुए? इसमें कार्बन चेन की वजह से हुआ है ना मसला सारा, कि आपने जो कार्बन चेन है वो तोड़ दिया है. ऊपर में पांच कार्बन थे लॉन्ग चेन में और नीचे में चार कार्बन है लॉन्ग चेन के अंदर. तो बेटा ये जो आइसोमर्स होंगे, ऐसे आइसोमर्स जो कि आप कार्बन चेन को ब्रेक करके बनाते हैं, कार्बन चेन को ब्रेक करके जो आइसोमर्स आप बनाते हैं, उन आइसोमर्स को क्या बोलते हैं आप?
चेन आइसोमर। मैं भी नेमिंग आपको बेटा डिटेल में कराऊंगा, लेकिन फिलहाल इसका नेम मैं आपको बता देता हूं। बेटा देखें, जब भी आपने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देना है, और एल्केन की हम बात कर लेते हैं क्योंकि ये एल्केन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो नाम देने के लिए पहला रूल ये होता है कि आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन। फिर बेटा आपने देखना होता है कि आया उस चेन के अंदर, उस मॉलिक्यूल में कहीं ब्रांच तो नहीं है। ब्रांच किसको बोलते हैं बेटा, लॉन्ग चेन से बाहर अगर कोई कार्बन एटम निकल रहा है लॉन्ग चेन के बाहर, तो उसको आप ब्रांच कंसिडर करते हैं, ये ब्रांच है। अब बेटा नाम इसको ऐसे देंगे कि आपने ये बताना होता है कि ब्रांच किस कार्बन के साथ अटैच है, जो ब्रांच है वो किस कार्बन के साथ अटैच है। तो काउंटिंग आप वहां से करेंगे जहां से ब्रांच जल्दी आ जाएगी, या आप ये कह सकते हैं कि असाइन दी लोवेस्ट नंबर टू दैट कार्बन विच हैज ब्रांच, ठीक है। तो इसलिए मैं काउंटिंग कहां से करूंगा, फ्रॉम द राइट साइड, 1 2 3 4। अब बेटा ये जो ब्रांच है ये कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच है, तो इसका नाम क्या होगा, 2-methyl। बेटा CH3 को याद है ना, मिथाइल बोला करते थे ओ लेवल्स में, 2-methyl। और बेटा अब लॉन्ग चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, 4 कार्बन है, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेन, 2-methyl ब्यूटेन। तो बेटा ये बात भी मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्रांच होती है, बाज बच्चे जो है ना, अगर वो आपसे कहता है जी कि आप पेंटेन का चेन आइसोमर बनाएं, तो बाज बच्चे ये बनाकर आते हैं, जरा मुझे बताइएगा इसमें क्या गलती है, 1 2 3 4 एंड 5, वो ये करते हैं जी, वो कहते हैं सर हमने ये देखे ना, ये 4 कार्बन कर लिए और जो 5वां कार्बन था ये इसको ब्रांच लगा दिया इधर। सर वो टर्मिनल पे चेन का हिस्सा बन जाता है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि ना कंटीन्यूअस चेन है, कंटीन्यूअस चेन है तो मतलब ब्रांच तो ना हुई। बिल्कुल बेटा, ये देखें, फिर पेंटेन ही बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बेटा, कि ये आप ये बात याद कर लें कि जो ब्रांच है वो कभी भी टर्मिनल कार्बन पर नहीं लगती, अगर टर्मिनल कार्बन पर ब्रांच लगाई तो वो मेन चेन का हिस्सा बन जाएगा। या इसको आप एक और तरीके से देख लें, वो ये तरीका है बेटा, आप जरा कनेक्टिविटी देखें, एक मिनट मैं अभी आपको एक और तरीके से बता देता हूँ। बेटा यहाँ पर कार्बन 1 के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3, यहाँ पर देखें 3 हाइड्रोजन, कार्बन 2 के साथ 2 हाइड्रोजन्स, कार्बन 3 के साथ 2 हाइड्रोजन्स, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, कार्बन 4 के साथ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2, और कार्बन 5 के पास 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 3। तो ये सेम स्ट्रक्चर आपने बनाया है। ब्रांच आपने जब भी लगानी है तो ब्रांच बेटा आप कहाँ पर लगाएंगे, आप मिडल वाले किसी कार्बन पर लगाएंगे, टर्मिनल पर आप ब्रांच कभी नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अच्छा वो अगर आपसे ये कह देता है कि आप बेटा इसका स्केलेटल मतलब स्केलेटल फार्मूला बनाएं, ये जो 2-methyl ब्यूटेन है, तो देखिएगा बेटा इसका स्केलेटल क्या होगा, ये 4 कार्बन और मिथाइल जो है ना ये ब्रांच CH3 कार्बन 2 पर है, तो यहां पर बेटा हम ये लगा देंगे जैसे ये, तो ये आपका बन गया जी 2-methyl ब्यूटेन। अच्छा बेटा ये तो है चेन आइसोमर, चेन आइसोमर के बारे में याद रखें कि जब भी कार्बन चेन के अंदर चेंजिंग करेंगे तो जो आइसोमर बनेगा उसका नाम है चेन आइसोमर। नेक्स्ट हम देखते हैं पोजिशनल आइसोमर, सेकंड टाइप जो बेटा है पोजिशनल आइसोमर, तो इसके लिए मैं लिख देता हूं कि दीज आइसोमर्स आर प्रोड्यूस्ड when we change the position of functional group रख। क्या मतलब है जी इसका, देखिएगा इधर कि पोजिशनल आइसोमर कैसे बनेंगे, CH2 CL। कोई बेटा मुझे बता सकते हैं यहाँ पर कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बेटा, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम बताएं। यस, आप कहेंगे हैलोजेनो एल्केन। यस, फंक्शनल ग्रुप है बेटा हैलोजेनो एल्केन, क्योंकि हैलोजेन इज डायरेक्टली अटैच विद कार्बन। बेटा अगर मैं
ये भी वो कंपाउंड है जो आप ओ लेवल में पढ़ के आए। कोई बेटा मुझे इसका नाम बता सकता है, इस कंपाउंड का नाम क्या है? देखें रूल ये होता है कि जब भी आपने बेटा नाम देना होगा तो आप काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप जल्दी आएगा। तो ये फंक्शनल ग्रुप है। तो बेटा अब आप कार्बन वन किसको कहेंगे, जो लेफ्ट साइड पर कार्बन है इसको कहेंगे या जो राइट साइड पर कार्बन है इसको कहेंगे? जो बेटा कार्बन वन आप किसको कहेंगे, लेफ्ट साइड वाले कार्बन को या राइट साइड वाले कार्बन को? सर जो सीएल के राइट पास साइड वाले, यस, जो सीएल के राइट पास है, साइड। कार्बन नंबर वन, कार्बन नंबर टू एंड कार्बन नंबर थ्री। अब बेटा इसको नाम ऐसे देते हैं, किसका नाम होगा, वन क्लोरो। पूरा क्लोरीन नहीं लिखते बेटा, वन क्लोरो के कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है। और किस कार्बन के साथ अटैच है बेटा, कार्बन नंबर वन के साथ अटैच है, तो वन क्लोरो। और अब टोटल कार्बन चेन कितनी है बेटा, तीन कार्बन है और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो वन क्लोरो प्रोपेन, ये बेटा इसका नाम है। मैं इसका आइसोमर बनाना चाहता हूं, और पोजिशनल आइसोमर ना, पोजिशनल आइसोमर में मैं इसके फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज करूंगा। कैसे? देखें ये तीन कार्बन है, वन टू थ्री। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप जो पहले कार्बन नंबर वन के साथ अटैच था, मैं उसको कार्बन वन से रिमूव करके कार्बन टू पर लगा दूंगा ऐसे। और बेटा बाकी जो कार्बन है उनके साथ हाइड्रोजन्स पूरे कर दूंगा, जितने जितने कम हैं। ये देखें जी इधर, अब आप यहां पर, ये आपकी लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन है। काउंटिंग बेटा वहां से करेंगे जहां से क्लोरीन जल्दी आए, राइट या लेफ्ट दोनों साइड से इक्वल बेटा यहां पर चांस है, तो वन टू थ्री। तो बेटा इस आइसोमर का अब नाम क्या होगा, कि अब क्लोरीन जो है कार्बन नंबर टू के साथ अटैच है, तो टू, टू क्लोरोप्रोपीन यस, टू क्लोरोप्रोपेन। बेटा ये जो आइसोमर्स दो बने हैं, क्या मैंने कार्बन चेन को ब्रेक किया है या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज किया है? फंक्शनल ग्रुप की यस पोजीशन बेटा, अगर आपके पास ऐसे आइसोमर्स बने जो कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन के चेंज होने की वजह से बन रहे हैं, तो ऐसे आइसोमर्स को आप बोलते हैं पोजीशनल आइसोमर। मैं भी आपको इसकी काफी सारी एग्जांपल कराता हूँ, ये तो एक एग्जांपल अभी हुई। सर जी हाँ बेटा सर, जो हेलोजिनो एल्केन होता है वो तब फॉर्म होता है ना जब हम एक एल्केन से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और उसकी जगह जी बेटा, सर हेलो, हेलोजेनो एल्केन का तब फॉर्म होता है जब हम एक एल्केन से हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को रिमूव करके जी बेटा, जी जी किसी बिल्कुल हेलोजन एटम से रिप्लेस करते बिल्कुल हैं ना। बेटा बिल्कुल, वो भी हम रिएक्शन करेंगे, और ये रिएक्शन हमारे सिलेबस में है विद 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 मैकेनिज्म, तो ये हम डिटेल में रिएक्शन देखेंगे। बेटा इसकी हम आगे फर्दर एग्जांपल जरा देख लेते हैं जी, पोजिशनल आइसोमर की फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं जी। वन टू थ्री फोर, ये मुझे अब बेटा कोई आप में से बताएगा कि ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है जी यहाँ पर, ये जो मैंने मॉलिक्यूल एक बनाया है इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्कोहल उसका नाम बताए बेटा, उसका नाम बताया करें। एल्कोहल अल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप बेटा कौन सा है जी, अल्कोहल है जी हमारे पास, ठीक है। और बेटा अब यहां पर भी आपने अगर इसको नाम देना है तो नाम देने का रूल वही है कि आप ये देखेंगे कि काउंटिंग में कहां से करूं, कि जहां से फंक्शनल ग्रुप जल्दी आए, ये ओ एच, तो जाहिर बात है हमें राइट साइड से काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो चार कार्बन की चेन है, चार कार्बन को बेटा क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, ठीक है। वन ब्यूटेनॉल, हाँ बेटा इसमें ना वन ब्यूटेनॉल अगर आप कहेंगे तो ये थोड़ा सा गलत होगा। आपको जब भी अल्कोहल को नाम देना है तो कैसे नाम देना है जरा देखें। देखिए हर एक को नाम देने के अलग रूल है, जब मैं आपको टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा ना तो उसमें हम ये जो नेमिंग है ये डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ आपको नेमिंग इसलिए करवा रहा हूँ यहाँ पर थोड़ी सी, ताकि आपको पोजिशनल आइसोमर का समझ आ जाए। तो बेटा जब भी आपने अल्कोहल को नाम देना है तो पहले आपने कार्बन चेन का बताना है कि कितने कार्बन है जी इसमें। ब्यूटेन चार कार्बन है, और ओएच किस कार्बन पर लगा हुआ है, कार्बन नंबर वन पर।
तो ब्यूटेन वन ओल, बेटा ओल याद है ना, ओ लेवल्स में आप ओल किसके लिए बोलते थे, अल्कोहल के लिए बोलते थे या नहीं, ओ एल, यस सर। यस बेटा, ये जो ओल है, ओल का मतलब होता है ओ एच। ओल का क्या मतलब है, ओ एच, कि ये ओ एच किस कार्बन पर लगा हुआ है, कार्बन नंबर वन पर, इसलिए ओ एल के पीछे वन आपको नजर आ रहा है, ब्यूटेन वन ओल। तो कोई बेटा मुझे बता सकता है इसका आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर मैं क्या बनाऊंगा जी? सर ब्यूटेन टू ओल। यस बेटा, मैं इस ओ एच को कार्बन वन से हटाकर कार्बन टू पर लगा देता हूं, ऐसे करके, ऐसे जी। तो बेटा अब आप देखें कि आपने जब नाम देना होगा तो आप कहेंगे सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन, ये आ गई आपके पास। काउंटिंग बेटा वहां से करेंगे जहां से ये ओ एच आपके पास जल्दी आ जाए, कार्बन नंबर वन, कार्बन टू, ब्यूटेन टू ओल। यस कार्बन थ्री और कार्बन फोर। बेटा इसका नाम होगा, चार कार्बन है तो ब्यूटेन। बेटा ये बात याद कर लें कि जब अल्कोहल को नाम देना होगा तो पहले आपने कार्बन चेन बतानी होगी, जब भी अल्कोहल को नाम देना है तो पहले कार्बन चेन और फिर उसके बाद ओ एच की पोजीशन, ब्यूटेन टू ओल, ठीक है जी। अच्छा बेटा इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं जी, पोजिशनल आइसोमर की एक और एग्जांपल मैं आपको पहले करा दूं। बेटा ये नोट कर रहे हैं आप साथ साथ या नहीं? यस सर। बेटा एक और इसकी एग्जांपल देखें, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। कोई मुझे इसका नाम बता सकते हैं जी, इस कंपाउंड का, बड़ा सिंपल सा कंपाउंड है। देखें यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है पहले तो वो बताए ना, फंक्शनल ग्रुप क्या है जी इसमें? जी बेटा मैं इसमें पूछ रहा हूं कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप। हेलो जी बेटा, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यस एल्कीन, एल्कीन इज द फंक्शनल ग्रुप, राइट। अब बेटा आपने इसको जब नाम कार्बन देना कार्बन है, डबल बॉन्ड, ठीक है बेटा, अब आपने इसको नाम देना है तो आपने काउंटिंग वहां से करनी है जहां से ये डबल बॉन्ड जल्दी आए, तो कार्बन नंबर वन, कार्बन नंबर टू, कार्बन नंबर थ्री एंड कार्बन नंबर फोर, चार कार्बन है बेटा। तो चार कार्बन के लिए आप जो वर्ड यूज करते हैं उसका नाम है ब्यूट, ब्यूट। और डबल बॉन्ड बेटा किस कार्बन पर है, वन पर, वन टू के साथ बना रहा है, तो आप जो स्टार्टिंग वाला कार्बन की पोजीशन होती है वो बताते हैं, ब्यूट वन ईन। बेटा यहां पर ईन क्या बता रहा है आपको, ईन आपको बेसिकली डबल बॉन्ड की डबल बॉन्ड के बारे में बता रहा है, ईन मीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और ये वन क्या बता रहा है, वन आपको बेटा डबल बॉन्ड की पोजीशन बता रहा है, और ब्यूट क्या बता रहा है कि टोटल चार कार्बन है। बेटा इसका मैं पोजिशनल आइसोमर क्या बना सकता हूं, शाबाश मुझे बताए कोई बच्चा, पोजिशनल आइसोमर क्या बनेगा जी बेटा? यस बेटा, ब्यूट टू इन। मैं इस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर दूंगा बेटा, इस फंक्शनल ग्रुप ब्यूट टू की, इन। यस इस फंक्शनल ग्रुप की अगर मैं पोजीशन को चेंज कर दूं, वन टू थ्री फोर, डबल बॉन्ड बेटा अगर मैं इधर लगा दूं, बेटा ये चीज जरा देखें कि पोजिशनल आइसोमर में आप सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर रहे होते हैं। अब बेटा आपने इसको नाम देखकर भी देख लें, आपको पता चल जाएगा कि कार्बन तो चार ही है, ब्यूट, लेकिन डबल बॉन्ड इस दफा कार्बन टू पर है, ब्यूट टू इन। इन का मतलब होता है कि डबल बॉन्ड, ठीक है? तो बेटा ब्यूट वन इन एंड फिर इसको ब्यूट, नीचे नहीं लगा सकते, जी बेटा इसको नीचे नहीं लगा सकते, आपने तो दरमियान में कर दिया ना। कर सकते हैं बेटा, बेटा नीचे आप मतलब ये कहना चाह रहे हो ना, मुझे एक मिनट, आपके क्वेश्चन की सही समझ नहीं आई, आपके नीचे से क्या मुराद है बेटा, ऐसे कह रहे हो? नहीं सर, वर्टिकली नीचे। सर जिस तरह मिथाइल का ग्रुप नहीं लगाते उस तरह क्या है?
बेटा वो तो फिर आपका चेन आइसोमर बन सर। जाएगा ना, वो तो आपका बेटा चेन आइसोमर बन जाएगा। हम कार्बन चेन को चेंज नहीं करेंगे, पोजिशनल आइसोमर में आपने सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज करना है। कार्बन कार्बन चेन को आपने अनचेन रखना है। अच्छा बेटा इसका जरा स्केलेटल मैं बना दूं, स्केलेटल स्केलेटल कैसे बनेगा जरा देखिएगा। टोटल चार कार्बन है ना बेटा, ये देखें, और यहां पर बेटा डबल बॉन्ड। क्या ये ब्यूट वन इन है या नहीं है बेटा? ये स्केलेटल फॉर्मूला ब्यूट वन इन को शो कर रहा है नहीं कर रहा ये? यस सर। और इसी तरीके से बेटा अगर आपने ब्यूट टू इन का स्केलेटल बनाना है, इससे फर्क नहीं पड़ता आप डबल बाउंड ऊपर ड्रॉ करते हैं नीचे ड्रॉ करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ये देखें, ये है जी ब्यूट टू ई, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, अब हम बस लास्ट जो आइसोमर की टाइप है उस पर आ जाते हैं, और वो है बेटा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। बेटा पोजिशनल आइसोमर की मैंने आपको तीन एग्जांपल्स बताई हैं। सर ये स्केलेटल आपने कैसे बनाया मुझे समझ नहीं आई। हाँ बेटा स्केलेटल में सिर्फ डबल बॉन्ड देखें, कार्बन कितने थे? चार थे ना, तो ये आपको नजर आ रहे होंगे ये चार कार्बन, 1, 2, 3 एंड 4। और बेटा कार्बन 1, 2 पर डबल बॉन्ड थे, तो ये मैंने डबल बॉन्ड ड्रॉ कर दिया इधर 1 और 2 पर। इसी तरीके से बेटा यहां देखो, यहां भी चार कार्बन थे, ये 1, 2, 3, 4, कार्बन 2 और 3 पर डबल बॉन्ड था बेटा, ये शो कर दिया इधर। जी बेटा जी सर ठीक है। अच्छा बेटा अब आगे चलते हैं, और बेटा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, बेटा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें आपके पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा और आप दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप उससे बनाएंगे। मतलब आप ये कह सकते हैं फॉर एग्जांपल सी, पहले मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, C2H6O। बेटा ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आपके पास, और मैं इससे बेटा दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ड्रॉ करूंगा आपके सामने। भला कैसे, ये देखें, बेटा ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जी बताएं? शाबाश, अल्कोहल। अल्कोहल है जी, कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, अल्कोहल या एथानोल। अच्छा बेटा इस मैं यहाँ पर दो कार्बन है, ये जो अभी मैं फंक्शनल ग्रुप बना रहा हूँ ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन दिस इज द फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको ईथर बोलते हैं। बेटा देख लें, इसमें भी दो कार्बन हैं, 6 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं ईथर। ये बेटा ऊपर देखिएगा कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। आपके पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और आप उससे एक से ज्यादा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अगर बनाएं तो ऐसे आइसोमर्स को बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। के C2H6O इससे एथेनॉल भी बन सकता है। ईथर, ईथर पता है बेटा किसको कहते हैं? कि जब दो कार्बन एटम के दरमियान एक ऑक्सीजन आ जाए, ठीक है, इसको याद करना लाजमी नहीं है। मैं आपको अभी दूसरी ऐसी एग्जांपल देता हूं जो कि आपके सिलेबस में है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर की, उससे मजीद क्लियर हो जाएगा जी कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्या होता है। दूसरी एग्जांपल बेटा देखिएगा आप यहां पर, C3H6O2। बेटा ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसे देखिए मैं भी क्या बनाने जा रहा हूं जी, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OOH। बताइए जी इस ये जो कंपाउंड है इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को फुलफिल कर रहा है, तीन कार्बन्स हैं, 1, 2, 3,
हाइड्रोजन सिक्स हैं, थ्री टू फाइव और एक सिक्स और दो ऑक्सीजन, बट ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जी, ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया है? कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक, यस, कार्बोक्सिलिक एसिड. और बेटा अगर मैं इसी को देखना, इसी C3H6O2 को अगर मैं ऐसे बनाऊं, CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन CH3, पहले तो मुझे आप फंक्शनल ग्रुप बताइएगा, यहां पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जी? एस्टर. देख ले बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को फुलफिल कर रहे हैं ना, ये एस्टर भी और कार्बोक्सिलिक एसिड भी, तीन कार्बन है, सिक्स हाइड्रोजन है और दो ऑक्सीजन है जी. बेटा बेटा किसी को प्रॉब्लम है इसमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में? नहीं सर, समझ आया. अब बेटा इस तरह है कि ये आपने जो तीन टाइप्स अभी पढ़ी है ना, ये है स्ट्रक्चरल आइसोमर की. आपके एग्जाम में समटाइम वो आपको ये क्वेश्चन देता है कि राइट द थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर. आपने सिर्फ उनके नाम लिखने होंगे, पोजिशनल आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, चेन आइसोमर. फिर बेटा क्या करता है, इस तरह के आपको क्वेश्चन देता है, ये देखें जरा. एथेनॉल बनाकर दे देगा बेटा आपको. अब जरा सुन लेना क्वेश्चन किस तरह के आते हैं एग्जाम में बेटा. ये एथेनॉल और ईथर बनाकर दे देगा और इस तरह डबल हेडेड एरो लगाएगा, कहेगा ये कौन सा आइसोमर है नाम लिखें. तो आप यहां लिख कर आएंगे इस तरीके से कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर. आपको ये पता होना चाहिए कि ये फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहे हैं टोटल. वो अल्कोहल है, एक ईथर है, इसी तरह वो प्रोपानोइक ये कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में पूछ लेगा बेटा आपसे कि ये कौन से आइसोमर है. तो आपको वहां पर बताना होगा कि ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है. ठीक है जी. अच्छा बेटा अब आते हैं हम स्टीरियो आइसोमर पर. बेटा ये अभी तक कोई चीज इसमें मुश्किल तो नहीं है ना, मुझे ये बताएं? नहीं सर. क्योंकि बेटा अभी पता है क्या मसला है, आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी. हम बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे कि हम तेज़ जाएं, ठीक है? हम तेज़ नहीं जाएंगे, लेकिन हम अपनी अपनी नंबर ऑफ़ क्लासेस बढ़ाएंगे ताकि हमारी स्पीड स्लो ही रहे लेकिन क्लासेस ज़्यादा होना शुरू हो जाए. क्योंकि अभी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहती है और मार्च से पहले हमने इसको ख़त्म करना है ताकि मॉक से पहले आपका सारा सिलेबस कम्प्लीट हो. अच्छा बेटा, अब जो सेकेंड टाइप है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो चैप्टर वो भी करेंगे जी बेटा. पीरियोडिक टेबल का वो जो चैप्टर है वो भी करना है क्या जी बेटा? वो करेंगे ना अभी. पीरियोडिसिटी जो है ना इन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो ऑर्गेनिक के बाद करेंगे, ठीक है? अच्छा बेटा इस तरह है कि अभी जो हमारी सेकंड टाइप है ना, सेकंड टाइप, तो सेकंड टाइप के अंदर ये देखिए इधर, अभी बेटा हमने ये किया जी, हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर सारा कर लिया, ठीक है जी? आपको बराबर आपकी स्क्रीन दोस्त तक स्क्रीन बेटा स्टक हो गई है.